कारण कौन सा बनता है मेरा टिकट क्यों काट दिया जाएगा। तो ये साफ सुथरी अफवाह है और उन लोगों को ब्लैक कर ये इसमें इतनी झूठ हो रहा है कि आज जो जनता को गुमराह किया जा रहा है वो इस तरीके से फैला रहे हैं कि टिकट हमारी है। देखो सारी जनता अवेयर नहीं है, मेरे को कुछ लोगों ने तो आप ही नहीं करे, कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि साहब वो टिकट ले ही आए। बात करें तो आपको मैं एक उदाहरण दे, माननीय न्यायालय भवन 3 जो हमारे खेतड़ी में खुले हैं वो कल्याण नगर में थे और उनकी स्थिति ये सारे पत्रकार सारा गांव सर्व समाज खेतड़ी का जानता है, वकील साहिबान सारे शिक्षावत जानते हैं कि हालात बहुत ख़राब थे और पेयजल का ये बरसात का जो पानी आता था वो बहाव भी माननीय न्यायालय भवन में घुस जाता था और पत्रावलियां भी पठनीय हो जाती थी। लेकिन ये चीज़ जब देखी तो उस समय के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सम्मानित हवा सिंह जी, एडवोकेट हवा सिंह जी बबेरवाल साहब थे और वो जोधपुर तक गए हाईकोर्ट तक और माननीय मंत्री से भी हम बार बार मिले, मुख्यमंत्री महोदय से भी उस जमाने में बार बार मिले और मिलकर और तीनों न्यायालय भवन की स्वीकृतियां करवा के और वहां से उठवा के और उपखंड कार्यालय के बराबर तीनों भवनों का निर्माण करवाने का काम भी 13 से 18 कार्यकाल में किया गया। इसका फायदा आप लोगों को निवेदन करूँ मैं, यही फायदा नहीं कि भवन ही सुरक्षित हो गए बल्कि इसके साथ साथ क्लाइंट जब आते थे अपने कार्यों के लिए जिनका उपखंड कार्यालय या तहसील कार्यालय से काम होता था वो वकील अधिवक्ताओं के इंतजार में, क्योंकि अधिवक्ता लोग उधर सुनते थे इसलिए वहाँ देरी तक बैठे रहते थे, 2-3 बजे तक वेट करते और अचानक अगर फील्ड जॉब, क्योंकि उपखंड कार्यालय का भी फील्ड जॉब होता है और रेवेन्यू का भी फील्ड जॉब होता है, तो तहसीलदार जी या श्रीमान उपखंड अधिकारी को कहीं फील्ड में काम हो गया और क्लाइंट सुबह से बैठा था तो वो अगले दिन दोबारा आने के लिए मजबूरी होती थी। ये समस्या बहुत बड़ी थी जो इसका खात्मा अब वहीं तो आपका उपखंड कार्यालय, वहीं तहसील कार्यालय और वहीं मुंसिफ सारे मजिस्ट्रेट कार्यालय, तो ये जनता को एक बहुत बड़ी रिलीफ देने का काम भी इस न्यायिक भवनों को बना के दिया गया है। तीसरा अगर हम बात करें तो खेतड़ी झुंझुनू जिले का एक विधानसभा है और आप सारे लोग जानते हो कि DTO डिस्ट्रिक्ट जैसे नाम से ही परिचित है कि DTO डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफिस जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर होते हैं, लेकिन खेतड़ी उस रेडियस से काफ़ी बाहर है, 100 किलोमीटर 125 किलोमीटर भी खेतड़ी के जो बाहर के गांव पड़ते हैं वो अपने DTO कार्यालय से पड़ते थे। यहाँ आप देखेंगे कि अकेले खेतड़ी में 7 विधानसभाओं में से DTO कार्यालय 13 से 18 के बीच में ही खेतड़ी में खुलवाने का काम आप लोगों के आशीर्वाद के द्वारा किया गया, जो जनता को कितनी बड़ी रिलीफ होगी। और अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि जब मुझे ये, मैं नहीं बोल रहा, सूचना का अधिकार अधिनियम बना हुआ, आप उसमें नकल भी कोई भी आदमी लेके आए कि 3 से 8, 8 से 13 और 13 से 18 में कितनी सड़कें बनी, कितना क्या हुआ, आपसे अगर बात करें तो सहायक अभियंता कार्यालय PHD बबाई में खोलने का काम किया, क्योंकि अकेला खेतड़ी जो है उपखंड वो काफ़ी दूरी पे पड़ता था और इधर जो पंचायतों की संख्या ज़्यादा थी तो ये भी आधारभूत संरचना में सहायक अभियंता कार्यालय PHD भी यहाँ खोलने का काम 13 से 18 के बीच में किया गया। कनिष्ठ अभियंता कार्यालय बिजली, कनिष्ठ अभियंता कार्यालय पानी दोनों मेहाड़ा में खोलने का काम 13 से 18 के बीच में किया गया। जसरापुर में चौकी और आपके बड़ाऊ में चौकी, ये 2 चौकियां 13 से 18 के बीच में खुलवाने, सुरक्षा की दृष्टि से खुलवाने का काम किया गया, क्योंकि झुंझुनू जिला ही नहीं बल्कि खेतड़ी विधानसभा हरियाणा की सीमाओं से टच है इसलिए बाहर के लोगों का आवागमन ज़्यादा रहता है और व्यापारिक रिलेशन भी खेतड़ी से हरियाणा और दिल्ली गुड़गांव के ज़्यादा होने के नाते और क्राइम ज़्यादा है, इसलिए हमारे 13 से 18 कार्यकाल में ही ये दोनों पुलिस चौकियों को खुलवाने का काम किया। और आपको एक्स्ट्रा में अगर मैं बात बताना चाहूँ, जैसे मैंने पहले कहा है कि मूलभूत आवश्यकताएँ महती आवश्यकता होती हैं, संविधान में भी प्रोविजन है, उनकी बात करें तो पशु चिकित्सालय भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि व्यक्ति की चिकित्सा के लिए चिकित्सालय आवश्यक होते हैं। खेतड़ी में 38 पंचायतें उस समय थी, उनमें से केवल 18 पंचायतों में ही पशु चिकित्सालय 70 वर्ष की आज़ादी से लेकर मेरे आशीर्वाद मिलने तक बनाया गया था, लोगों का जब मुझे आशीर्वाद मिला तब तक केवल 18 पशु चिकित्सालय खोले गए थे, लेकिन रिकॉर्ड इस बात का है कि 3 पंचायतें और हमारे कार्यकाल में बढ़ गई, राजस्थान की सरकार ने परिसीमन करके और बढ़ा दी,
तो 41 हो गई। 41 की 41 पंचायतों पर पशु चिकित्सालय खोलने का काम इस जनता के आशीर्वाद की बात 13 से 18 में किया। इसका मतलब 70 वर्ष की आज़ादी से लेकर 13 तक केवल इन्होंने 18 खोले और मुझे आशीर्वाद मिल जाने के बाद और 23 पशु चिकित्सालय खोलने का काम इस खेतड़ी के पंचायत हेडक्वार्टरों पर करने का काम। एजुकेशन या दूसरी चीज़ें, वैसे ही बच्चे के लिए एजुकेशन जरूरी है, दूसरे क्षेत्रों में पैसे के लिए पानी जरूरी है, वैसे ही किसान के लिए खाद और बीज भी महती आवश्यकता है। क्रय विक्रय सहकारी समिति हमारी चिड़ावा लगती थी खेतड़ी की, उनको तोड़कर वहाँ से और क्रय विक्रय सहकारी समिति किसानों के पक्ष में खेतड़ी में खुलवाने का काम आप जनता के आशीर्वाद मिल जाने के बाद और मैंने जब चेयरमैन रहते हुए खेतड़ी में करवाया है। खेतड़ी के पूर्व विधायक पूरनमल सैनी जी हैं जिन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है, इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि 2023 में जो चुनाव लड़ा जाएगा वो बसपा के बैनर के तले लड़ा जाएगा। तीसरी बात इन्होंने ये बताई है कि एक ही कार्यकाल में पूरे विकास के कार्य नहीं हो जाते हैं, जनता फिर मौका देगी तो फिर और जनता के लिए विकास के कार्य करवाएंगे। चैनल के माध्यम से खेतड़ी की जनता को आज आपके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में क्या संदेश देना चाहिए? आपके सवाल का जवाब दें उससे पहले आप जो बोल गए उसके संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जनता बैठी है मेरे से ही नहीं, ये जनता फील्ड से आती है और हम वो खुद ड्राइवरी हमारी वाहन की करते हुए फील्ड में जाते हैं। तो हमने उन सड़कों को वहाँ बनाया जहाँ आज़ादी से लेकर आज तक जो डाणियाँ गाँव वंचित रहे उन गांव डाणियों में बनाया। और आपसे मैं तो ये भी गुजारिश करूंगा, समस्त पत्रकारों से संवाददाताओं से जाके भी देख सकते हैं, चाहे वो नानू वाली बावड़ी है और चाहे आपका वो त्योंदा है, चाहे आपका वो तातीजा है, चाहे जसरापुर है, चाहे वो पपूना का ढेर है, आप जहां भी जाओगे वहां जो राज करने वाले लोग और वोट तो ले गए लेकिन वंचित लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना के रूप में सड़क देने का काम और 13 से 18 के बीच में किया गया। आप जो कहना चाह रहे हो कि मैं 2018 खेतड़ी से ही लड़ूंगा और बहुजन समाज पार्टी से ही लड़ूंगा, सब 23 के लिए तो कहा ना मैंने जी। 2023 का चुनाव आपका ये सवाल है, मेरा इसमें सवाल ये है कि आपको क्यों लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अफवाह हमें सुनने को मिल रही है कि 2023 का चुनाव आप उदयपुर वाटी से भी लड़ने वाले हैं। मैं देखिए जनता की आवाज़ हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जनता की कोई आवाज़ नहीं है, ऐसा अगर किसी ने भी सोचा है तो उसके अपने सोचने में ज्यादती है और मैं निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अपनी सोच की ज्यादती को वो कम करें, इस तरीके की अफवाहें कोई फैला रहे हैं। बल्कि ये अलग चीज़ है, मैं दोबारा उस बात को रिपीट करता हूँ कि लोकतंत्र में पार्टियों से जुड़ना, टिकट मांगना व्यक्ति का अपना लोकतांत्रिक अधिकार है और पार्टियों की अपनी सर्वे, टिकट देना उनका अपना अधिकार है। लेकिन मैं दावे से ये कह सकता हूँ, अधिकार पूर्वक कह सकता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन और मूवमेंट है, आपको मैंने पहले भी बताया कि मैं पिछले 20 वर्षों से 25 वर्षों से लगातार इस मिशन में काम करता हूँ और आज तक अगर आप पे जनता की बातें हैं या अफवाह फैलाने वालों की बातें हैं तो मेरा बीच में सवाल आ गया कि मैं BSP में इतने वर्षों से काम कर रहा हूँ, क्या BSP या मेरे को जब जनता ने आशीर्वाद दिया उसमें किसी की बहुजन समाज पार्टी में काम करते हुए भी कोई शिकायत है क्या जी? संगठन की कोई शिकायत है आप पे? जी नहीं है। नहीं है तो फिर कहीं है, तो फिर कारण कौन सा बनता है मेरा टिकट क्यों काट दिया जाएगा? तो ये साफ सुथरी अफवाह है और उन लोगों को ब्लेक कर ये इसमें इतनी झूठ हो रहा है कि आज जो जनता को गुमराह किया जा रहा है वो इस तरीके से फैला रहे हैं कि टिकट हमारी है। देखो सारी जनता अवेयर नहीं है, मेरे को कुछ लोगों ने तो आप ही नहीं करे, कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि साहब वो टिकट ले ही आए, तो मैंने कहा यार टिकट लिया है तो उनकी पेटी मंगवा के वोट भी डाल ही देते हैं। मतलब ये कारण ये है कि हमारी सारी जनता राजनीति नहीं जानती, ये मजबूरी है सर। अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द एनफील्ड ऑफ लाइफ बिजनेस इन द पॉलिटिकल अवेयरनेस। धीरे धीरे आगे कह तो रहा हूँ सर, 92 से पहले इस देश के हमारे महापुरुषों ने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, चाहे वो और हजारों वर्षों से ये देश लगातार गुलाम रहता आया और आज़ादी के भी 1992 मतलब मैं बार बार कहता हूँ कि वो दिन 26 नवंबर 1949 इस देश की जनता के लिए बड़ा अहम दिन है क्योंकि इस देश में 26 नवंबर 1949 को एक इस देश का स्वतंत्र संविधान लिखकर और आम आवाम महिला पुरुष पीड़ित सर्व समाज के लिए इस तरीके की पुस्तक इस देश के लोगों के लिए समर्पित की गई थी इस देश की पार्लियामेंट में, जो बहुत बड़ा दिन हम देशवासियों के लिए है। और उस संविधान की किताब में लिखा है
कि जब तक लोग जागृत नहीं होंगे हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। तो हक और अधिकार के लिए महापुरुष आज़ादी के बाद भी लड़ते रहे और 1992 में जाके जो इस देश के शूद्र वर्ग की जातियों के विभिन्न जातियाँ जो है वो तीन वर्ग आज की तारीख में SC ST और OBC जिनको माइनॉरिटी जिनको कहा जाता है उन लोगों को जो मान और सम्मान की बात थी वो 92 से उससे पहले तो पंच और सरपंच पार्षद लड़ने के लिए भी अभाव था जी। तो जैसे जैसे जागृति बढ़ रही है और गांव डाणियों से राजनीतिक प्लेटफार्म पर लोग आ रहे हैं वैसे वैसे उन गांव डाणियों का विकास धीरे धीरे बढ़ रहा है। जागृति बढ़ेगी तो विकास भी होगा जी। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ खेतड़ी के पूर्व विधायक पूर्णमल सैनी जी। आज इनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में काफ़ी संख्या में खेतड़ी के तमाम विधानसभा क्षेत्र से हम बात करें प्रत्येक गांव से काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं। काफ़ी जो बातें थी जो मुद्दे थे उनको लेकर हमने इनसे बातचीत करने की कोशिश